हेलो फ्रेंड्स, आज रियलिस्टिक करके दिखाते हैं आप लोग को। पहले तो ये डंडा बनाना है एप्पल का, फिर पत्ता, फिर आएगा गोल शेप जो एप्पल का शेप होता है, फिर थोड़ा हम लोग नीचे का शेड के लिए दे लेते हैं। अभी ब्लैक कलर से स्टार्ट करते हैं। पहले उसको डंडा कवर करेंगे, साइड साइड में बॉर्डर देंगे, पत्ता में भी बॉर्डर देंगे। बॉर्डर देते हुए फिर एप्पल में चले आएंगे, एप्पल में भी थोड़ा सा हल्का हल्का करके देते जाएंगे। उसके बाद शेड स्टार्ट होगा। शेड दोनों तरफ से खींचिएगा, मतलब बीच में डीप रखते हुए ऊपर भी लाइट नीचे भी लाइट, इस तरह शेड करना, दोनों तरफ से हाथ उठाना, कम शार्प रखिएगा कलर को। हम हाथ उठा उठाते हुए शेड करना, जैसे कि दोनों तरफ डिप टू लाइट चल जाते रहे। और हाँ दोस्तों, ज़्यादा डीपनेस में मत कीजिएगा, फर्स्ट टाइम थोड़ा लाइट से कर लिया कीजिए, उसके बाद उसको चाहे तो डार्क कीजिए। अभी हम लोग डार्किंग में चला है, तो डार्किंग का इसका बॉर्डर कर लिया एक बार, उतना स्पेस हम लोग को छोड़ना है, थोड़ा सा बड़ा ही करके छोड़ा है जो कि बाद में उसको छोटा भी कर सके हम लोग। अभी डार्किंग से वैसे ही ब्लैक का ऊपर वापस से शेड लगाना है, इस बार थोड़ा डार्क से लगाना है शेड ब्लैक का ऊपर, जैसे मिक्सिंग अच्छा हो, और ब्लैक से थोड़ा बाहर भी निकाल देना है। जितना तक ब्लैक हम लोग किए हैं उसका साइड साइड से थोड़ा बाहर निकल कर आएगा, मतलब थोड़ा साइज में बड़ा होगा डार्किंग। अभी एक्स्ट्रा जगह जहाँ जहाँ डार्किंग होगा वो सब दे देगा। अभी रेड कलर से करेंगे दोस्तों। रेड कलर को डायरेक्टली फिली कर देना है नीचे वाला पार्ट में, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कहाँ तक मैं फिल कर रहा हूँ। साइड में थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ एक्स्ट्रा ग्लेज लाने के लिए, एप्पल का चमक लाने के लिए। बाकी नीचे वाला सारा पोर्शन फिली होगा। और जो गोल वाला पार्ट छोड़ा रहा हम लोग, वो गोल वाला पार्ट नहीं, सिर्फ डिप टू लाइक करके छोड़ेंगे, इसके अलावा सारा ही पार्ट फिल हो जाएगा। अब इसको डायरेक्शन देखिए, थोड़ा डायरेक्शन राउंड में ला दिए हैं। ऐसे डार्क पिंक सबका ऊपर वापस से रेड करना है एक बार। अभी लाइट पिंक सर्कल है, जो डार्क पिंक का बाद रेड किया फिर उसका ऊपर लाइट पिंक से होगा। लाइट पिंक को थोड़ा प्रेशर के साथ रेड का ऊपर करते हुए आगे ले जाते थोड़ा लाइट कर दीजिएगा। इसमें भी थोड़ा प्रेशर डाल के बीच तक लाते लाइट कर देना, लेकिन पूरा परफेक्ट व्हाइट छोड़ना है, लाइट करके फिल नहीं कर देना है। अभी थोड़ा येलो कर देते हैं इसमें, येलो भी डार्क से कीजिएगा इस वाला में।
अभी उसको डार्कनेस ना दिख रही है, हम लोग वापस से एक बार ब्लैक को डार्क से कर दे रहे हैं ताकि वो चमक और भी डार्क लगे देखने में। आप इससे जहाँ जहाँ मान लीजिए डार्क नहीं हुआ उस सबको डार्क कर सकते हैं आप लोग। डंटा में हम लोग ब्लैक और ब्राउन से सिंपल करेंगे। अभी पत्ता में आ जाएंगे हम लोग, डार्क ग्रीन से बॉर्डर दे लेंगे, डार्क ग्रीन से अभी शेडो निकालना। इस तरह शेड निकाल रहा देख सकेंगे आप लोग, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए शेड निकाल रहा है ऊपर से नीचे, ये भी ऊपर से नीचे। अभी लाइट ग्रीन से उसी शेप में, जैसे डार्क ग्रीन कह रहा हूँ वैसे ही लाइट ग्रीन होगा। नीचे वाला पोर्शन से और थोड़ा ऊपर वाला पोर्शन से एक्स्ट्रा से लाइट ग्रीन लेंगे हम लोग। इसके बाद वापिस से लेमन ऑयल लो, ये पार्ट में आप लोग लेमन ऑयल यूज़ कीजिएगा, ये उसका शेडो दे देते हैं। ब्लैक एक्स्ट्रा डार्क होना चाहिए अगला ब्लैक, बहुत डार्क तब जाके थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा, क्योंकि मेन पार्ट होता है उसका शेडो ही रियलिस्टिक में मेन पार्ट होता है। मैंने ब्राउन कलर से ही डीप से किया, थोड़ा ज़्यादा डार्क करना चाहता हूँ। बस देख सकेंगे अभी कंप्लीट हो चुका है, कैसा लग रहा है ये जानाइएगा।